प्रोवेशन चैप्टर रहे उसमें से एक कंसेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं कि टीएन का फॉर्मूला हम कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए ये टीएन का फॉर्मूला है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। टीएन मतलब एंथ टर्म। ओके एंथ टर्म बोले तो क्या है, देखिए हमारे पास अगर एक मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए सेवन है, उसके बाद सेवन प्लस थ्री टेन थर्टीन है, उसके बाद सिक्सटीन है, उसके बाद नाइनटीन होगा। ओके तो इस तरह से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एक सवाल ऐसा भी रहता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो क्या, जिस सीक्वेंस में कॉन्सिक्यूटिव टर्म जो रहते हैं उन हर एक कॉन्सिक्यूटिव टर्म में का डिफरेंस जो है वो कॉमन रहता है। तो यहाँ डिफरेंस कॉमन है, टेन में से सेवन गए थ्री, थर्टीन में से टेन गए थ्री, सिक्सटीन में से थर्टीन गए थ्री, नाइनटीन में से सिक्सटीन गए थ्री। यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो हर एक ठिकान पर हर एक जगह पर थ्री है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो टी एन मतलब क्या, देखिए ये जो है टी वन है, ओके इसे हम टी टू कहेंगे, इसे टी थ्री कहेंगे, इसे टी फोर कहेंगे और इसे टी फाइव कहेंगे। टी वन बोले तो एक नंबर पे सात है, टी टू बोले तो दूसरा टर्म जो है वो टेन है, बोले तो दो नंबर पे टेन है, टी थ्री बोले तो तीसरा जो टर्म है वो थर्टीन है, बोले तो तीन नंबर पे थर्टीन है, टी फोर बोले तो फोर्थ टर्म सिक्सटीन है, मतलब फोर नंबर पे सिक्सटीन है, और टी फाइव बोले तो फिफ्थ नंबर नाइनटीन है। टी सिक्स कितना होगा, देखिए टी सिक्स भी हम निकाल सकते हैं, टी सिक्स कितना आता है, तीन को ऐड किया तो ट्वेंटी टू आएगा। टी सेवन कितना होगा, फिर मैंने और एक तीन को ऐड किया तो ट्वेंटी टू में तीन को ऐड किया कितना हो गया, ट्वेंटी फाइव हो गया। फिर टी एट कितना हो गया, फिर थ्री ऐड किया ट्वेंटी एट होगा। तो ऐसे में थ्री ऐड करते जाऊंगा, बिकॉज यहाँ सेवन प्लस थ्री टेन, टेन प्लस थ्री थर्टीन, थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन, नाइनटीन प्लस थ्री ट्वेंटी टू बढ़ते जाएंगे। मगर अगर मुझे क्या निकालना है कि टी ट्वेंटी टर्म निकालना है, टी ट्वेंटी निकालना है या फिर टी फिफ्टी निकालना है, तो इस तरह से अगर मैं जाऊँगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे टी ट्वेंटी निकालना है तो समझो टी ट्वेंटी निकालना है, चलो टी ट्वेंटी निकालेंगे। तो टी ट्वेंटी निकालने का फार्मूला क्या हम यूज़ करेंगे, पहले टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला यूज़ किया। तो टी एन मुझे टी ट्वेंटी निकालना है तो टी एन की जगह पे मैं ट्वेंटी लिखूंगा। ओके तो ये जो ए जो है उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, सात। ए की जो वैल्यू है, ए मतलब क्या रहता है, फर्स्ट टर्म। यहाँ ए कितना है, यहाँ ए जो है अपना फर्स्ट टर्म सेवन। ओके और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कितना कितना कम होते बढ़ते जा रहा है, तीन तीन बढ़ते जा रहा है, या फिर टेन में से थ्री है सेवन गए थ्री, थर्टीन में से टेन गए थ्री, कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ थ्री है। ओके अभी ए कितना, थ्री सेवन है फर्स्ट टर्म सेवन, प्लस एन की वैल्यू क्या है, ट्वेंटी निकालना है तो एन की वैल्यू ट्वेंटी, माइनस वन इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस थ्री है। अभी सेवन प्लस ट्वेंटी में से वन गया नाइनटीन रह गया, इंटू ये थ्री, सेवन प्लस नाइनटीन इंटू थ्री कितना हो गया, नाइनटीन थ्री दा कितना हो गया, फिफ्टी सेवन हो गया, फिफ्टी सेवन प्लस सेवन कितना हो गया, सिक्सटी फोर हो गया। तो ट्वेंटी टर्म जो है वो कितना होगा हमारे पास, सिक्सटी फोर होगा, एकदम आसान है। देखिए यहाँ टी एट हमने निकाला था ट्वेंटी एट, तो एट टर्म देखिए ट्वेंटी एट आता है कि नहीं। सो टी एन का फार्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये फार्मूला का यूज कर कर हम एट टर्म निकालेंगे। टी एन की जगह पे कितना हो गया, एट हो गया, ए की वैल्यू कितनी है, सेवन है, फर्स्ट टर्म सेवन है, प्लस एन कितना है, एट है, माइनस वन इन टू डी कितना है, डी की वैल्यू थ्री है, तो यहाँ थ्री लिखा, इज इक्वल टू सेवन प्लस एट माइनस वन कितना आता है, सेवन आता है, इंटू ए थ्री, सेवन प्लस सेवन थ्री था ट्वेंटी वन, ट्वेंटी प्लस सेवन कितना हो गया, ट्वेंटी एट हो गया। सो टी एट बोले तो एट टर्म कितना होगा, ट्वेंटी एट होगा। तो इस तरह से हम टी एन का जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले ए और डी की जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ती है, उसके बाद टी एट निकालो, टी फाइव निकालो, टी सेवन निकालो या टी टेन निकालो, कौन सा भी टी निकालने को कहा तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर ओनली टी एन निकालना निकालने को कहा, अगर वो बोले कि टी एन निकालो, क्वेश्चन ऐसा है कि टी एन निकालो, ओनली टी एट मत निकालो, टी ट्वेंटी फोर मत निकालो, ओनली टी एन, तो फार्मूला यही होगा, टी एन इज इक्वल टू ए के जगह पे ए की वैल्यू कितनी है, सेवन है, तो सेवन लिखेंगे, प्लस एन की वैल्यू क्या, टी एन ही मालूम नहीं, बिकॉज टी एट था तब एट लिखी एन की वैल्यू, जब टी ट्वेंटी निकालना था तब ट्वेंटी लिखी, बट अभी टी एन ही निकालना है तो इसे एन ही रखेंगे। माइनस वन इंटू डी कितना है, थ्री है, तो डी की वैल्यू लिखेंगे। सेवन प्लस थ्री इंटू एन, ये जो ब्रैकेट है उसको थ्री से मल्टीप्लाई करने का, थ्री इंटू एन थ्री एन, और माइनस है थ्री, सेवन माइनस थ्री कितना हो गया, सेवन में से थ्री गया फोर, फोर
फोर प्लस ये 3n, तो tn इज इक्वल टू 4 प्लस 3n। तो ये इस तरह से tn का जो फॉर्मूला है वो हम यूज कर सकते हैं उसे। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा अलग टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलग टाइप का कैसा रहता है, देखिए ऐसा कहा जा सकता है कि बाबा a की वैल्यू हमारे पास 5 है और b की वैल्यू 3 है, तो t10 निकालो। ओके, इसके पहले एग्जांपल में सीक्वेंस दी थी, उस सीक्वेंस में से मैंने a और d को ढूंढ के निकाला। अब यहाँ ऑलरेडी a और d की वैल्यू निकाल ली है, तो t10 निकालो। तो tn का फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, tn के जगह पे t10 निकालना है। t10 1 2 3 4 5 t10 t11 t15 t10 100 t101 जो भी वैल्यू होगी वो निकालेंगे। यहाँ tn कहाँ है, t13 कहाँ है, तो t10 कहाँ है, तो यहाँ t10 लिखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी 5 है, तो a के जगह पे 5, प्लस n कितना है 10 निकालना है, तो 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी 3 है, तो यहाँ लिखे 3, 5 प्लस 10 में से बन गया 9 रहेगा, और इंटू ये 3, सो 5 प्लस 9 3 था 27, 27 प्लस 5 32। तो इस तरह से ये t10 निकाल सकते हैं। तो ये हमने देखा कि tn का जो फार्मूला किस तरह से यूज कर सकते हैं हम और कहाँ यूज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम sn का फार्मूला कहाँ यूज करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में से एक कंसेप्ट को, जिसका नाम है sn, सम ऑफ n टर्म। तो ये sn का जो फॉर्मूला है, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू d, ये पहला ब्रैकेट कंप्लीट इंटू d के बाद वो दूसरा ब्रैकेट भी कंप्लीट। तो ये फार्मूला है हमें, इस फार्मूला का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले sn निकालना मतलब क्या करना पड़ता है, समझे। मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ 5 है, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, ओके, उसके बाद 13। तो ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मुझे s1 निकालना है, s1 क्या रहता है, जो पहला टर्म है 5 वो s1 है। ओके, s2 बोले तो क्या, पहले दो जनों की बेरिज एडिशन, पहले जो दो टर्म है उनकी एडिशन, 5 प्लस 7 12 हो गया। यस 3 क्या होगा, पहले तीन लोगों की, तीन टर्म की एडिशन, 5 प्लस 7 12 प्लस 9 21। ओके, उसके बाद s4 बोले तो क्या, पहले फोर टर्म की एडिशन, 5 प्लस 7 12 प्लस 9 21 21 प्लस 11 32, ये होगा 32। उसके बाद s5 बोले तो ये फाइव लोगों की बोले तो 5 टर्म की एडिशन, 5 प्लस 7 12 प्लस 9 21 21 प्लस 11 32 और 32 प्लस 13 44 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास, ये 45 हो गया। ओके, 32 प्लस 13 45। तो ये अगर मुझे s5 कहा गया, 5 की वैल्यू निकालने को कहा, तो पहले 5 टर्म की एडिशन। अगर मुझे s4 कहा तो पहले 4 टर्म की एडिशन। अगर s6 कहा तो मैं 6 टर्म की एडिशन लूँगा, 13 के बाद आएगा मेरे पास, देखिए दो दो बढ़ते रहते हैं। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस कॉमन रहता है, कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है सभी जगह पे। 5 प्लस 2 7, देखिए 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 9 गए 2 और 13 में से 11 गए 2। ओके, 2 2 बढ़ता रहता है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15 आएगा। तो उन सभी टर्म की क्या होगी, एडिशन होगी। अगर यह 6 कहा तो पहले 6 टर्म की एडिशन, तो हम 6 टर्म की एडिशन क्या होगी, 13 के बाद आएगा 15। ओके, तो ये सब की एडिशन कितनी होगी, 45 प्लस 15 16 तक आएगी। ओके, ये 7 भी आसान है। अगर मुझे s10 पूछा गया तो मैं कैसे निकालूंगा, या फिर s20 निकालने को कहा डायरेक्टली, तो ये फार्मूला यूज कर हम डायरेक्टली s20 निकाल सकते हैं, s50 निकाल सकते हैं, सो बड़े नंबर तक की एडिशन निकाल सकते हैं। देखिए यूज करेंगे अभी हम s20 निकालने के लिए। तो s20 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि सबसे पहले ये फार्मूले में क्या है, a की वैल्यू मुझे मालूम चाहिए, उसके बाद m की और d की। तो a क्या हुआ इसके अंदर, a बोले तो जो फर्स्ट टर्म रहता ना उसे a कहते, ये 5 है तो उसे कहेंगे a इज इक्वल टू 5, और d बोले तो कॉमन डिफरेंस, 7 में से 5 गए 2, ये कॉमन डिफरेंस है।
और एन क्या हो गया यहाँ, एन इज इक्वल टू 20, एस 20 निकालना है तो एन 20। अब इस फॉर्मूले में डालेंगे वैल्यू को, एस 10, एस 20 निकालना है तो एस 20 इज इक्वल टू एन के जगह पे क्या होगा 20 लिखेंगे, 20 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस एन, एन कितना है 20, माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है। ओके अभी 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, प्लस 20 माइनस 1 कितना हो गया 19 हो गया और इंटू ए 2। ओके अभी 10 इन ब्रैकेट 10 प्लस 19 टू जा 38, सो 10 इंटू 38 प्लस 10 कितना हो गया 48 और 48 इंटू 10 कितना हो गया 480 हो गया। तो एस 20 480 बोले तो पहले 20 नंबर्स जितने हो गए 20 टर्म उन सब की एडिशन कितनी होगी 480 होगी। तो एस एन का फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि जो गिवन टर्म है जितनी दिए हुए उन सभी टर्म की एडिशन जब करने को कहा जाता है तब हम एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मुझे टी वन कहा गया तो कितना आएगा 5 आएगा, टी वन 5 आएगा, टी टू 7 आएगा, टी थ्री 9 आएगा, टी फोर 11 आएगा, टी फाइव 13 आएगा। टी फाइव बोले तो 5 नंबर पे कौन सा टर्म है वो, टी सिक्स बोले तो 6 नंबर पे कौन सा टर्म है वो। अगर यस मगर एस 5 कहा तो 5 टर्म की एडिशन, एक 6 कहा तो पहले 6 टर्म की एडिशन, एस 7 कहा तो पहले 7 टर्म की एडिशन। जब सम कहा जाएगा 7 टर्म की सम करो 8 टर्म की सम करो तब एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ एस 6 हमने 60 निकाला था या फिर एस 5 हमने 45 निकाला था या फिर एस 4 32 निकाला था यहाँ आया था हमारा, तो एस 4 का यूज कर इस फॉर्मूले से आता है क्या 32, ये पहले चार जनों की बेरी जहाँ हमने 32 निकाली थी एडिशन वो आती है क्या देखेंगे। देखिए एस एन की जगह पे एस 4 लिखेंगे इज इक्वल टू एन कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की जो वैल्यू है वो कितनी 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस एन, एन कितना है 4 है तो 4 माइनस 4 इंटू डी कितना है हमारे पास 2 है। ओके डी को 2 लिखा, अभी 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, 4 माइनस 1 3 और ए इंटू 2, अभी 2 इन ब्रैकेट 10 अपने जगह पे, 3 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है, 2 इंटू 10 प्लस 6 कितना होता है 16 होता है और 16 टू जा 32। ओके सो फार्मूले से भी 32 आई और मैनुअल हमने निकाली मैनुअली तभी भी 32 आए। तो इस तरह से ये जो एस एन का जो फार्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फार्मूले में ए और डी की जो वैल्यू है उस फार्मूले में डालने के लिए निकालनी चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या, फर्स्ट टर्म जो रहता है वो ए रहता है और कॉमन डिफरेंस जो रहता है हर एक टर्म में का, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, तो उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और एन की वैल्यू क्या रहती है, यस 20 निकाला तो एन की निकालना कहा गया तो एन की वैल्यू 20 होगी, यस 6 निकालने को कहा गया तो एन की वैल्यू 6 होगी, एस 4 निकालने को कहा गया तो एन की वैल्यू 4 होगी। ओके तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी होती है उसके ऊपर यस 1, यस 2, यस 3, यस 20, यस 21, यस 10 कोई भी वैल्यू निकालने के लिए कहा जा सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू 2 सो फाइंड एस 10। ओके ए और डी की वैल्यू डायरेक्टली भी दी जा सकती है, इस तरह का भी क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। ओके तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एस एन का फॉर्मूला जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में से उसका यूज कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर हमने आज डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम अगले कुछ कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।